जय श्री कृष्ण, होप यू डूइंग वेरी वेल. इफ यू लव, इफ यू फॉल इन लव विद अ डायमंड, बिकॉज डायमंड इज अ रेयर, इफ यू फॉल इन लव विद अ डायमंड एंड यू वॉन्ट्स टू वेयर, मतलब लाइफ में एक बार तो डायमंड पहनना है, बिकॉज डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फॉर, अगर साइंस के लिहाज से देखा जाए. पर अगर आप साइंस को नहीं, एक तरीके से आप कल्चर की वाइज देखें, मॉडर्न हो चुके हैं ना, तो अगर उस तरीके से भी देखें तो भी डायमंड इज अ रेयर. सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू वेयर डायमंड एटलीस्ट वंस अ व्हाइल. सो नॉन मेटल्स में अगर आप बात करें तो देयर इज़ ओनली फोर एक्सेप्शन एंड द फोर फिजिकल प्रॉपर्टीज. बहुत आसान है आपको याद करना, बट वहीं पे अगर हम बात करें, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट अगर हम बात करें मेटल्स की तो देयर इज़ अ ओवरऑल 9 फिजिकल स्टेट: मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हार्डनेस, डक्टिलिटी, एलोट्रॉप्स, लश्र, कितनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है. बट नॉन मेटल्स कितना प्यारा है, बस 4 आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज याद करना है. सो ओवरऑल वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग. आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट हो चुके, तो 1 मिनट ही और ज़्यादा लगेगा. आई थिंक 55 मिनट्स में, 55 सेकेंड्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट, नॉन मेटल्स आर इधर इन अ सॉलिड और अ गैशियस स्टेट विथ एक्सेप्शन ब्रोमीन, बिकॉज ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन वाटर आपने देखा होगा, ब्रोमीन इट इज़ इन अ लिक्विड फॉर्म. सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव अ लश्र एक्सेप्शन आयोडीन. आपने अगर नमक को देखा होगा तो नमक में एक चमकीलापन होता है, लश्र होता है उसके अंदर. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट डायमंड के ऊपर है, नॉन मेटल्स डू नॉट पोसेस एनी प्रॉपर्टीज, डू नॉट पोसेस प्रॉपर्टी ऑफ द हार्डनेस एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ अ डायमंड, बिकॉज डायमंड इज अ वन ऑफ द हार्डेस्ट, इट इज नोन एज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड विच हैव अ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो. आई एम सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज about your pencil graphite. So non-metals do not conduct electricity except graphite, the allotropes of carbon, because graphite conduct electricity. इसका जो एक्चुअल में आपको लास्ट पॉइंट लिखना है वो इस तरीके से होगा, सिंस देयर इज अ एक्सेप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन ईच ऑफ द पॉइंट्स, सो द फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी अ करेक्ट, सो एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड मोर क्लियरली इन द फॉर्म ऑफ अ chemical reactions, they do the chemical reaction and they can be classified on the basis of a chemical properties. That's all in this video. Thank you so much. Bye-bye. And hope so aapko non-metals ki physical properties aapko samajh mein aaya hoga. Last point bhi aapko samajh mein aa gaya hoga kyun physical properties ka utna zyada exception ki wajah se zyada sahara nahi liya jata as compared to the chemical properties. Thank you, bye bye, and wish you a very happy Makar Sankranti hai kal, and I'm sure hum sabhi patang udayenge bhi aur patang kisi ka kaatenge bhi.